हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे ट्रिक के साथ। और वो रिएक्शन है बैकमैन रीअरेंजमेंट, ओके। और ये भी रिएक्शन हम ट्रिक से ही डिस्कस करेंगे। मैंने और भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को ट्रिक से समझाया। अगर आपने अदर नेमिंग रिएक्शंस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। और कई काफी रिएक्शंस आपको आई बटन पर भी मिलेगी, आप वहां से टैप करके देख सकते हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये बैकमैन रीअरेंजमेंट है, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी कंडीशन में होती है, मतलब बेसिक में होती है कि एसिडिक में होती है? तो ये जो रिएक्शन है वो होती है एसिडिक मीडियम में, ये होती है एसिडिक मीडियम में। तो इसके लिए हमें एसिड्स चाहिए होंगे, ओके। तो देखो कौन कौन से एसिड्स आ सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले जो एसिड्स है, सबसे जो कॉमन होगा वो आपको दिखेगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके। दूसरा आपको दिखने को मिल सकता है इसमें PCl5, ओके। और ये जो सभी मैं लिखवा रहा हूं एसिड, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ रिएजेंट्स, इस रिएक्शन के रिएजेंट्स भी हैं, ओके। तो थर्ड आपको देखने को मिल सकता है SOCl2, फोर्थ आपको देखने को मिल सकता है POCl3, ओके। और ये यहां पे आपको HCl भी देखने को मिल सकता है। तो ये जितने भी हमारे पास ये एसिड्स हैं, ये सभी एक्ट करते हैं एज अ रिएजेंट, ओके। नाउ इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, या जिसको आप बोल सकते हो सबस्ट्रेट, ओके, मतलब रिएजेंट ने एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना होता और वो होता हमारे पास इस रिएक्शन का ऑक्सीमी, ओके। ऑक्सीमी जो है हमारे पास वो क्या है, इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट है, ओके। ऑक्सीमी क्या करता है, इस इन सभी रिएजेंट्स में से रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट देता है, और ये इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारे पास एमाइड, ओके। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि ऑक्सीमी किसी भी रिएजेंट के साथ, रिएजेंट क्या है हमारे पास एसिड है, और वो जब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, अमाइड होता है। तो सिंपल ऑक्सीमी चेंजेस टू अमाइड, और वो किस रिएक्शन में देखने को मिलता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट में, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, फिर हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म, ओके। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑक्सीमी। तो ऑक्सीमी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये सी बॉन्ड आर बॉन्ड आर डैश, मतलब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर आपको पता है क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होते हैं, ओके। डबल बॉन्ड एन बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास ऑक्सीमी, दैट इज इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट, ओके। अब क्या है यहां पे, अमाइड आपको पता है क्या होता है, ये होता है अमाइड, ये होता है, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये भी, इसको भी अमाइड बोलते हैं, ओके। तो ये भी हो सकता है यहां पे आर डैश, मतलब दो आर भी हो सकते हैं यहां पे आर डैश, ओके। ये आर और ये आर डैश, ये दोनों हो सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, अमाइड, दैट इज इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ओके। तो सबसे पहले ऑक्सीमी हमारे पास रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ये हमने ऑक्सीमी कंसिडर किया, ओके। अब यहां पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होंगे दो ऐसे, और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं, ओके। अब क्या है, इसने रिएक्ट करना है एसिड की प्रेजेंस में, ओके। यहां पे मैंने कोई भी एसिड ले लिया इन सभी में से, ओके। जनरली हम कंसीडर कर रहे हैं केस, ओके। यहां पे हमने कंसीडर कर लिया एसिड। अब क्या है, यहां पे ये भी अपने, इसका भी प्रोटोनेशन हो सकता है ऑक्सीजन का, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन का भी प्रोटोनेशन हो सकता है क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक कर सकता है और ये नाइट्रोजन भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ओके। बट कंडीशन क्या है, कंक्लूजन क्या आता है कि यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो दोनों में से कौन अपने इलेक्ट्रॉन इस एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा। तो देखो यहां पे हम इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो यहां पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 क्यों है, क्योंकि यहां पे ये कोई भी डबल बॉन्डिंग है, सिंगली यहां पे ऑक्सीजन क्या है, इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है और हाइड्रोजन के साथ भी, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। और यहां पे ये नाइट्रोजन के साथ क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, ओके। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है sp2 की ज्यादा होती है sp3 के केस से, ओके। तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है इस सबस्ट्रेट में, वो क्या है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है।
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव को डोनेट नहीं करेगा, मतलब इसका प्रोटोनेशन नहीं होएगा। तो किसका प्रोटोनेशन होगा? सिर्फ ऑक्सीजन का। तो नेक्स्ट टाइम में ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो नेक्स्ट टाइम में ये होगा ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाएगी हमारे पास। नाइट्रोजन ऐसे ही रहेगा हमारे पास, इसके ऊपर लोन पर ऐसे ही रहेंगे, और यहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं एच पॉजिटिव को। अब क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है कि जो हमारे पास वोटर होता है वो क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये यहां से रिमूव हो जाएगा एज अ वोटर, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल होता है, तो इसी वजह से यहां से वोटर रिमूव हो गया। ओके, तो यहां पे इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वोटर क्या है अपने साथ लेकर रिमूव हो गया, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो यहां से वोटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होगी, कम होगी, पहले 3 थी अब 2 रह जाएगी, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कम होगी, तो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में ये होएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, अब जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो इस केस में हमने देखा कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी था, तो यहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अनस्टेबल होती है वो स्पीसीज। तो ये भी क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बैलेंस हम, अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, अगर मैं आर को कंसिडर करूं पीएच और R डैश को कंसीडर करूं H, ओके, तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने R को लिख लिया PH, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। ओके, यहां पे R की जगह PH हो गया, डेट इज फिनाइल रिंग, और यहां पे R डैश हो गया H, ओके, और यहां पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इसकी माइग्रेशन होगी हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन इसके पास नाइट्रोजन के पास जाएगा। आपको पता है मैंने पहले भी पढ़ाया था एक रिएक्शन में, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का, फिर होता है पीएच का, फिर होता है एल्काइल ग्रुप का, और एल्काइल ग्रुप में किसका होता है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। ओके, अब यहां पे पीएच भी है और हाइड्रोजन भी है, तो कौन सबसे पहले नाइट्रोजन के पास जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है। ओके, जल्दी से फटैक से नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहां पे ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, इसकी जो वैलेंसी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी नाइट्रोजन की। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम होगी है, चार बॉन्ड थे अब तीन रह जाएंगे कार्बन के, तो यहां पर नेक्स्ट टाइम में ये होगा। ओके, तो अब क्या होगा यहां पर, अब देखो यहां पर जैसे फर्स्ट स्टेप में वोटर निकला था यहां पे, अब सिस्टम में वोटर तो प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, वोटर ने अटैक करना है इस कार्बोकटाइन के ऊपर, इसके ऊपर अटैक किया क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा पीएच ये ऐसे, और यहां पे ये वोटर अटैच्ड हो जाएगा यहां पे। ओके, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे रहेगा। अब क्या होगा यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसको कार्बोकटाइन को डोनेट किया, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन एच पॉजिटिव रिमूव हो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, एच पॉजिटिव रिमूव हो गया, तो नेक्स्ट टाइम में ये बनेगा, यहां पे OH रह जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड H। ओके, अब क्या होगा यहां पे टोटोमेरिज्म होगी, यहां पे नेक्स्ट टाइम में होगी टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म से क्या होता है कि हमारे पास जो इनोल फॉर्म है, हमारे पास ये इनोल फॉर्म है, वो कीटो फॉर्म में बन जाएगी। कैसे बनेगी, यहां से ये डबल बॉन्ड ऐसे क्लीव हुआ और ये एच पॉजिटिव ऐसे रिमूव हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा हमारे पास ये, और यहां पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ओके, और यहां पे सिस्टम में एच पॉजिटिव रह जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या बनेगा, पीएच अटैच विद कार्बन, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद NH2। बस, तो ये होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, दैट इज अमाइड। तो ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे आपने ऑक्सीमे से अमाइड्स में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट दैट इज एसिड।
अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। देखो ट्रिक तो बहुत सिंपल है, आपने पता क्या करना है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड NOH ग्रुप लगा है, ओके, उस कार्बन के साथ जो कार्बन होंगे वो हमने देखने कौन से प्राइमरी है, सेकेंडरी के टर्शरी है, सबसे पहले वो हमने चेक करना है। तो क्या करना, सबसे पहले चेक यहां पे मैं लिख देता हूं, कंडीशंस लिख देता हूं या ट्रिक लिख देता हूं। ओके, जो इस ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड होंगे, डायरेक्टली जो अटैच्ड होंगे, उनका नेचर देखना है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। ओके, तो फिर सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास ये ग्रुप है, डेट इज सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ एच। इस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उनको देखना है। एक तो ये वाला कार्बन है हमारे पास और एक ये वाला कार्बन है। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कार्बन है। ओके, तो देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, 1, 2 एंड 3, मतलब ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, तो ये है टर्शरी कार्बन। ओके, अब हम इसकी कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के साथ अटैच्ड है 1 और ये इसके साथ अटैच्ड है, तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होगा, हमने क्या करना है, चेक करना है कार्बन का नेचर। ओके, तो अब क्या करना है, जब हमने चेक करना है तो क्या करना है, जो हमारे पास ज्यादा, जिसका ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, मतलब जो ज्यादा, मतलब जो टर्शरी होगा, ओके, उसके साथ क्या करना है, उसका उन दोनों कार्बन के बीच में, मतलब ये वाले कार्बन के बीच में जो ये वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है और ये टर्शरी कार्बन के साथ, उनके बीच में हमने NH ग्रुप अटैच कर देना। ओके, और नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, और ये जो हमारे पास ग्रुप होगा, मतलब C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH है, मतलब ये N बॉन्ड OH को हमने रिप्लेस कर देना सिंपल ऑक्सीजन के साथ, तो वो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। कैसे होगा, देखो ये तो हमने ऐसे ही लिखना है। ओके, अब क्या होगा, यहां पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में NH हमने अटैच कर देना है। ओके, अब क्या होगा, यहां पे कार्बन है। ओके, अब यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये ऐसे, बस ये होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, मतलब ये जो दो, यहां पे दो बॉन्ड्स है ना, 1 एंड 2, 1 एंड 2। ओके, ये सेकंड बॉन्ड के साथ ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये पूरे ग्रुप को हमने रिप्लेस करना सिंपल ऑक्सीजन के साथ। ओके, और ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन और जो हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, उन दोनों के बीच में हमने NH ग्रुप अटैच कर देना, वो होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट और ये होगा हमारे पास अमाइड। ओके, तो यहां पे ये फर्स्ट हमारे पास स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इंसर्ट NH ग्रुप बिटवीन हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कार्बन एंड कार्बन, ये वाला कार्बन, दैट इज ये वाला, बस ये हो गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने करना है रिप्लेस एन बॉन्ड ओ एच ग्रुप विद ऑक्सीजन। बस ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने, अगर आप याद रखोगे तो आपको ये ट्रिक कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो सबसे पहले ये वाले कार्बन की तरफ ध्यान देना, जो ये वाला होगा जिसके साथ ये ग्रुप होगा, इस कार्बन के साथ जो कार्बन होंगे वो हमने देखना है। एक तो ये वाला कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है इस ग्रुप के साथ और एक ये वाला कार्बन है। ओके, अब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1, एक ये वाले कार्बन के साथ और एक ये वाले कार्बन के साथ, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। ओके, इस कार्बन की बात करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, डेट इज CH3। ओके, CH3 है, मतलब ये यहां पे कार्बन होगा, डेट इज CH3, एक ये कार्बन सिंपल यही कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। ओके, तो किस कार्बन के बीच में हमने NH ग्रुप अटैच करना है, इन दोनों कार्बन के बीच में, क्योंकि इसका हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, तो यहां पे आएगा NH ग्रुप और इसको हमने रिप्लेस कर देना ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहां पे होगा हमारे पास NH ग्रुप, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि इसको रिप्लेस करना ऑक्सीजन के साथ सिंपल, और ये ऐसी रहेगा मिथाइल ग्रुप। बस ये हैगा
इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, और एग्जांपल करते हैं, देखो ये वाले ग्रुप के साथ ये वाला कार्बन देखना हमने और ये वाला कार्बन देखना। ओके, अभी हमने देखा ये वाला कार्बन क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी होगा क्योंकि यहां पे CH3 होगा, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, एक ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक ये कार्बन के साथ, मतलब दो कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में NH आएगा और यहां पे ऑक्सीजन होगा। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये यहां पे NH, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां पे मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। सॉरी, ये गलत है, ये गलत कर दिया मैंने। यहां पे ये जो है हमारे पास ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये तीसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये है टर्शरी। तो इन दोनों कार्बन के बीच में NH आएगा। ओके, ये आपने ध्यान से समझना, ओके, गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे आएगा NH, यहां पे होगा मिथाइल और ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो ये होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो ये थी ट्रिक बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए। तो आप इस रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू काफी एग्जांपल सोल्व करो, आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस के लिए, ऐसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस की ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।